हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फूड मैजिक विद पिंकू प्रीति। आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी आंवले के अचार की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और लॉन्ग स्टोरेज ड्यूरेशन के लिए जो है बहुत ही परफेक्ट रेसिपी होगी। ये अचार आप साल भर तक भी जो है खाएंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस रेसिपी के लिए हमने ले लिया है 2 किलो आंवला। ये हमारे देसी आंवला हैं। आप जो भी मार्केट में बड़ा साइज वाला आंवला मिलता है उसको भी ले सकते हैं या ये वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम इसको 250 ml पानी डाल करके बॉईल कर लेंगे। अगर कम क्वांटिटी हो तो आप स्टीम भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 10 मिनट बाद करीब हमारे ये आंवले क्रैक हो गए, हल्के हल्के से इसमें क्रैक दिखने लगे हैं। इस स्टेज पर हम बंद कर देंगे गैस को और इसको थोड़े देर ढक के और रख देंगे, तो जो भी अगर इसमें कुछ कम पका होगा वो भी पक जाएगा। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको सारे जो है इस तरह से पीसेस को अलग कर लेंगे और बीज को अलग कर देंगे। देखिए इतने आसानी से ये अलग हो जाएगा ना, तो सारे इसको अलग अलग पीसेस को हम अलग करके और धूप में हम रख देंगे, अगर धूप है, नहीं तो फैन के नीचे रख देंगे। और इसको बिल्कुल ड्राई होने तक रखेंगे ताकि उसमें कोई भी पानी का असर ना रह जाए। अगर आंवले हमारे गीले रहे तो वो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा और वो लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं चलेगा। आंवले को उबालने के बाद जो बचे हुए हमारे आंवले के पानी है ना, हम इसको स्टोर करके एक बॉटल में रख लेंगे। आप चाहें तो इसे बाल धोने में या जो है सुबह गर्म पानी के साथ पीने में, आंवला जूस भी लोग यूज करते हैं तो उस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये लीजिए, हमारा एक बाई प्रोडक्ट तैयार हो गया है। और ये हमारे आंवले 2 दिन से सूखने के बाद में इस तरह से हो गए, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो भी एक्सेस मॉइस्चर था ऊपर का वो निकल गया है। इस तरह से किसी भी अचार में हम पानी को बिल्कुल निकाल दें तो हमारा अचार लंबे समय के लिए टिकता है। अब हम मसाला बना लेंगे। एक पैन रखेंगे। अब हम इस पैन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी, 5 टीस्पून सूखी खड़ी धनिया के बीज, और इसमें अब हम डालेंगे 3 चम्मच सौंफ के बीज। और अब हम इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन हमने 1.5 टीस्पून लिया है। और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम मंगरेल, कहीं कहीं कलौंजी कहते हैं या अनियन सीड भी इसको कहा जाता है। और अब हम 20 से 25 इसमें सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, वो भी इसी मसाले के साथ में भुन जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट कलर भी आएगा और तीखापन जो है हमारे मसाले का बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको फ्रैग्रेंट होने तक 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर बिल्कुल भूनेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मसाले हल्के से हमारे फ्रैग्रेंट हो जाए और क्रिस्पी दिखने लगेंगे, थोड़े से चटकने लगेंगे तो हम बंद कर देंगे। और देखिए इन सूखे आंवलों में ही हम अपने सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, बस इसका एक से सुपर का मॉइस्चर ख़त्म हुआ है और ये हमारे बिल्कुल बहुत ही अच्छे टेस्टी अचार रेडी होंगे। और अब हमने इसी पैन में ले लिया है 250 ml सरसों का तेल। सरसों का तेल अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे अचार का टेस्ट बहुत ही एनहेंस होता है। अगर आप बिल्कुल ना खाते हो तो आप अपने मनपसंद तेल डाल सकते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप सरसों का तेल ही यूज करें तो अच्छा होगा, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। इसको हम स्मोक पॉइंट तक खूब गर्म करेंगे। जब धुआं हल्का सा छोड़ने लगे तब हम इस तेल को बंद कर देंगे और इसको कम्प्लीटली कूल होने देंगे। फिर अपने अचार में हम इस तेल को ऐड करेंगे। देखिए ये हमारा जो है करीब 5-7 मिनट बाद धुआं हल्का हल्का छोड़ने लगा है। अब इस पॉइंट पर हम तेल को बंद कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो एक्सेस जो है मॉइस्चर तेल में होगा वो इवेपरेट हो जाएगा और अचार हमारा लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए हेल्प होगी। और ये देखिए अब हम इस अपने अचार में मसालों को सारे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून काला नमक पाउडर, 1 स्पून हम हींग डालेंगे असाफोटिडा, एंड इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम नमक। नमक ये हमारा प्रिजर्वेटिव का वर्क करेगा और मसालों को और
आंवले को अच्छे से जो है मिक्स होने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और वैसे भी अचार में थोड़ा सा जो है नमक की क्वांटिटी अच्छी होती है। इसमें हम अपने सारे मसाले जो हमने रोस्ट किए थे उसको ग्राइंड करके ऐड कर दिया और अपने ठंडे किए हुए तेल को हमने ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा अचार रेडी है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी सारी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ मिस हो गई थी, सरसों के बीज, उसको भी हमने ग्राइंड कर दिया है। आप काली वाली या पीली सरसों कोई भी ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम रहेगी। मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़े से मिर्च को और ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्टरलाइज बॉटल में, सूखे हुए बॉटल में, बिल्कुल हम साफ बॉटल में भर के रख देंगे। और अगर धूप हो तो आप धूप में भी 3 से 4 दिन अगर रख देंगे तो ये सालों साल आपका अचार बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और बहुत ही टेस्टी और यमी, विटामिन रिच आप ये अचार बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी अचार ये रेडी हुआ है। आप इसको इस तरह से स्टोर करके, अगर धूप आ रही हो, विंटर्स में थोड़ा धूप मुश्किल हो रही है लेकिन अब कभी कभी दिखने लग रही है, तो अगर आप इसको धूप दिखा देते हैं, नहीं भी धूप दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन धूप दिखा देंगे तो इसकी श्योरिटी बढ़ जाती है कि अचार सालों साल चलेगा ये आपका। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि गंदे स्पून या जो है गीले स्पून से इसको ना निकालें, बल्कि रेगुलर यूज के लिए आप किसी छोटे कंटेनर में अलग रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस तरह से देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। ये 2 किलो में करीब हमारा 250 से 300 ग्राम बीज निकल गया था और ये अचार हमारा करीब 1.5 किलो रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा टेस्टी अचार है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाया क्योंकि ये पूरे साल चलेगा और ये सबसे हेल्दी अचार है क्योंकि ये आंवला जो है विटामिन सी रिच होता है। तो आप हर किसी को खिलाइए, स्पेशली बच्चों को, बूढ़ों को, विंटर्स में तो ज़रूर खिलाइए। तो फ्रेंड्स, कब बना रहे हैं इस रेसिपी को, आप ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा टेस्ट। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।